हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष बाजपेई। तो गाइस, आज हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स के दो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 43 एंड क्वेश्चन नंबर 44। तो ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 42 तक कर लिया है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आपने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला जा रहा है। काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो बोल रहे हैं, अ 6.5 मीटर लॉन्ग लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल रीचिंग अ हाइट ऑफ 6 मीटर। तो क्या मीनिंग है इसकी? तो एक वर्टिकल वॉल बना रहे हैं, एक ग्राउंड बना दीजिए आप, ठीक है। उस पर एक लैडर है, दैट इज जिसकी लेंथ कितनी बताइए लैडर की, 6.5 मीटर, ठीक है। ये लैडर की लेंथ बताई गई है गाइस, ठीक है। एंड ये हाइट बताई गई है 6 मीटर, ठीक है। ये 6.5 मीटर। अब क्या बोल रहे हैं, अ 60 kg मैन स्टैंड्स हाफ वे अप द लैडर। तो एक मैन है जो 60 kg का, वो हाफ वे पे है यहाँ पर। तो मैन है तो mg लगाएगा, m उसका मास हम लोगों ने अज्यूम कर लिया है। हाफ वे अप टू द लैडर, लेटस राइट कि मास है कितना उसका, लेट्स टेक दिस एज 60 kg। आई होप कि समझ में आ रही बात आपको अभी तक, फिगर जो बन रहा है यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं पढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे बना रहा हूँ। फाइंड द टॉर्क ऑफ द फोर्स एग्जर्टेड बाई मैन ऑन द लैडर अबाउट द अपर एंड ऑफ द लैडर। ये अपर एंड ऑफ द लैडर पे टॉर्क निकालना है गाइस, पहला काम ये अपना। Assuming the weight of the ladder to be negligible as compared to the man and assuming the wall to be smooth, find the force exerted by the ground on the ladder. ठीक है, तो ये काम यहाँ पर हमें करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेज यहाँ पर लगेंगे। तो ये फोर्स आपको समझ में आ गई कि mg लगने वाली, ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर ये लैडर जो है आराम से खड़ी है तो इस पर नॉर्मल लग रहा होगा गाइस, कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसको मैं N1 बोल देता हूँ, ठीक। और एक ये भी है नॉर्मल जिसको हम लोग बोल देते हैं N2। अब देखो इस N2 को बैलेंस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा होगा जो इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो क्लियरली व्हाट आई कैन सी कि अगर मैं फोर्सेस को बैलेंस करूँ यहाँ पर, तो जो फोर्सेस हमारे बैलेंस होंगे वो किस तरीके से होंगे, देखो कि N1 इज इक्वल टू mg हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है, तो N1 इज इक्वल टू mg है। और दूसरा व्हाट यू कैन सी कि N2 इज इक्वल टू ये फ्रिक्शन के बराबर है, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे टॉर्क वगैरह लगाना है तो हमें लेंथ पता होना चाहिए। अब देखो ये 6.5 है और 6 है, तो ये 2.5 होना चाहिए। कैसे पता मुझे ये 2.5 होना चाहिए? क्योंकि देखो 13, 12 और 5 का जो होता है दैट इज़ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो ये उसका आधा है, रेशियो में रहता हमेशा। तो 6.5, 6 एंड 2.5 मीटर, दिस इज़ व्हाट वी कैन गेट। अब देखो इन्होंने कहा है कि इसका जो है टॉर्क इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो अगर ये पूरा 2.5 है तो आधे का कितना होगा, 1.25 मीटर, कितना होगा 1.25 मीटर। तो पहला पार्ट तो यही है कि ये जो मैन है इसका, इसके जो क्या कहते हैं उसको, वेट की वजह से कितना टॉर्क इस पॉइंट पे लग रहा है वो निकालना है। तो बहुत आसान है, यू कैन ईजली फाइंड आउट mg टॉर्क N2 के पास mg into 1.25, ठीक। तो m कितना है, m जो है दैट इज 60 into 9.8 into 1.25, ठीक है। तो ये नियर अबाउट 600, 1.25, तो 740 न्यूटन के आसपास होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट दैट वी हैव डन। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं,
अब सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं हमसे, अज्यूमिंग द वेट ऑफ द लैडर टू बी नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द मैन एंड अज्यूमिंग द वॉल टू बी स्मूथ, फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड बाई द ग्राउंड ऑन द लैडर। यानी कि नेक्स्ट जो है ये हमको फ्रिक्शन पूछ रहे हैं गाइस, दे आर आस्किंग अबाउट द फ्रिक्शन। तो एक काम करेंगे हम लोग, इसी के अक्रॉस हम लोग जो है टॉर्क निकालेंगे तो फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि इसके अक्रॉस अगर हमने टॉर्क निकाला तो क्या होगा, इसके अक्रॉस अगर टॉर्क निकाला तो फ्रिक्शन की वजह जीरो हो जाएगा, लेकिन हमें फ्रिक्शन को बचा के रखना है बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रिक्शन। तो इसलिए यहाँ पे मुझको टॉर्क निकालना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला टॉर्क तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। ये कैसे टॉर्क है, ऐसे देखो, ऐसे रोटेट करने की कोशिश, और ये उल्टा रोटेट करने की कोशिश करेगा यहाँ पर। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, एम जी इंटू 1.525, ठीक है। और एन वन एम जी के बराबर है, देखो इसका उल्टा लगेगा, माइनस एफ ये भी होगा, तो ये इसकी वजह से उल्टा लगेगा, तो कितना हो जाएगा एम जी इंटू 2.5, इसका डबल, ठीक। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये किसके बराबर है, ये एफ इंटू 6 के बराबर है, एफ इंटू 6 के बराबर गाइस, परफेक्ट। आई थिंक और तो कुछ लग नहीं रहा है, एम जी इंटू 1.25, एन वन इंटू 2.5 एंड एफ इंटू 6, परफेक्ट। तो अब निकाल लो, तो एफ कितना हो जाएगा, तो ये तो हो गया हमारा एम जी इंटू कितना हो जाएगा 1.25 अपॉन 6, तो ये तो 740 था ही अपॉन 6, 122 न्यूटन के आसपास। ठीक है, तो परफेक्ट, समझ में आ गई बात, ठीक। तो ये माइनस ना, इधर रहता प्लस एफ, देखो इधर को हम लोगों ने पॉजिटिव ले लिया, ये और ये निगेटिव ले लिया, तो ये प्लस था तो इधर माइनस, इसीलिए यहाँ पे माइनस आएगा, तो 122 न्यूटन आ। तो चलिए नोट करिए, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 43, लेट्स गो फॉर नाउ 44। सो लेट्स डू नाउ क्वेश्चन नंबर 44। लेकिन क्वेश्चन नंबर 43 में नॉर्मल भी पूछा था गाइस, तो वो नॉर्मल जो था वो एम जी है, एन इज इक्वल टू एम जी, तो एक पार्ट थोड़ा सा मिस हुआ है, तो उसको कुछ नहीं करना, मैंने लिखा ही था कि नॉर्मल की वैल्यू एम जी है, तो आप क्या करो, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, दैट वॉज 590 न्यूटन, ठीक है। तो ये था, तो क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं हम लोग कि क्या बोल रहे हैं। अ डोर ऑफ एन अलमीरा, एक अलमीरा का डोर है जिसकी लेंथ बताई गई है कि 6 फीट है, यहाँ पे मैंने बना दिया, 1.5 फीट वाइड है एंड वेज 8 kg, तो सेंटर ऑफ मास उसका बीच में लाई करेगा, तो 8 kg उसका वेट है। द डोर इज सपोर्टेड बाई 2 hinges, 2 hinge लगे हुए हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सिटुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 foot फ्रॉम द एंड्स। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज एग्जर्टेड बाई द hinges ऑन द डोर आर इक्वल, ठीक है, तो जो फोर्स लग रहा है इस पे वो इक्वल है, फोर्स hinges पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो इक्वल है, फाइंड दिस मैग्नीट्यूड, कि कितना जो है फोर्स लग रहा है ये पूछ रहे हैं। तो देखो, एक तो डोर लगा हुआ है तो बेसिकली क्या है, बैलेंस रहेगा डोर, आप जाए खोलो जाए बंद रहे, हमेशा क्या रहेगा, डोर बैलेंस रहेगा। तो देखो किस तरीके के फोर्सेस यहाँ पर लग रहे होंगे, सबसे पहले एक तो देखो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, है ना, जो इसको 8 kg को बैलेंस कर रहा होगा, तो इसको मैं नॉर्मल ही बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना है, मान लो N2 है, ठीक है। इसी तरीके का एक फोर्स ऊपर लग रहा होगा जिसको हम बोल देते हैं N1, ठीक है,
और क्या होगा, देखो एक बात और समझो आप, कि अगर मैं इसके अक्रॉस जो है टॉर्क लेता हूँ, ठीक है, इसके किसी भी पॉइंट के अक्रॉस हम लोग टॉर्क ले सकते हैं, तो इसके अक्रॉस अगर टॉर्क लें तो ये इधर घुमाने की कोशिश करेगा, अगर कोई बैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तो ये डोर निकल के बाहर चलाएगा। तो बैलेंसिंग फोर्स किधर होना चाहिए, बैलेंसिंग फोर्स इस तरीके का टॉर्क देना चाहिए, ये अगर आपको क्लॉकवाइज दे रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब इसमें एक फोर्स लगना चाहिए इस डायरेक्शन में एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स लगना चाहिए। अब अगर सोचो इधर एफ एक्स फोर्स लग रहा है तो ये बैलेंस भी है, ये तो अभी मैंने टॉर्क बैलेंस किया, लेकिन ये बैलेंस भी है तो यहीं पर एक और फोर्स लगना चाहिए जो कि बाहर की तरफ होना चाहिए, उसको भी हम एफ एक्स बोल लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। और फिर ये क्या कह रहे हैं, कह रहे कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन हिंजेस में सेम है, बराबर है। तो इसका मतलब देखो एफ एक्स अगर बराबर है तो एन वन और एन टू भी बराबर होगा, तभी तो बराबर होगा, दो कंपोनेंट हैं। अगर सोचिए एक कंपोनेंट बराबर है तो दूसरा कंपोनेंट क्या अलग हो सकता है, अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो एक्स कंपोनेंट अगर सेम है तो ये वाई कंपोनेंट भी सेम होगा, तो यानी कि ये भी एन होगा और ये भी एन होगा। तो यहाँ से काफ़ी सिंपल हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो y डायरेक्शन में फोर्सेज हैं इनको बैलेंस कर लेंगे, तो बेसिकली 2n इज इक्वल टू mg हो जाएगा, तो 2 नॉर्मल इज इक्वल टू m कितना 8, इसको मैं 10 कर देता हूँ, तो n आ जाएगा मेरा 40 न्यूटन। तो आपको ये पता चल गया कि जो f है यानी कि जो n है वो कितना आया, 40 न्यूटन आ गया। अब मुझे केवल क्या निकालना है, fx निकालना है, तो एक काम करते कहीं पर तो टॉर्क निकाल लेते, तो यहाँ टॉर्क निकालते इस लाइन के अक्रॉस, जिससे कि fx एक बैलेंस हो जाएगा, और ये इसकी दूरी कितनी होगी बताओ, 2 फिट, क्योंकि देखो 1 फिट इधर बाहर किया, 1 फिट इधर बाहर किया, 4 फिट बीच में लगा है, तो ये लेंथ हो गई है 2 फिट की, परफेक्ट। और इसकी दूरी कितनी हो गई है, 4 फिट की, तो बड़ा ही आसान था ये तो। तो अब लिख लो आप, एफ एक्स इंटू 4 इज इक्वल टू कितना है ये, 8 × 10 × 2 फिट, तो एफ एक्स भी निकल आया आपका कितना हो गया ये, 80 × 2/4, 80 यहाँ 1.5 होगा ना, 1.5 divided by 2, तो यानी कि 4 × 10, इसको काट दो, 4 × 10 × 1.5 हो जाएगा। चलो साफ साफ लिखते हैं इसको, फिर से समझ लो, एफ एक्स इंटू 4, एफ एक्स और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 फिट में, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना 1.5 का हाफ है, ठीक है, इसीलिए हम लिख रहे हैं 8 × 10 mg हो गया, और कितना 1.5 divided by 2, ठीक है, तो ये आ गया एफ एक्स, तो 4 × 2 = 8 कैंसिल, तो एफ एक्स आया 15 न्यूटन, तो एफ एक्स आ गया 15 न्यूटन। तो नेट फोर्स पूछ रहे हैं हिंज में कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, एक तो एन लग रहा है, एक एफ एक्स लग रहा है, तो नेट फोर्स अगर हम लोग बोलें कि नेट फोर्स कितना लग रहा है हिंज में, नेट एफ, तो वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 40 का स्क्वायर नॉर्मल का स्क्वायर प्लस एफ एक्स का स्क्वायर, दैट इज 15 का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 1600 प्लस 225, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 1825 न्यूटन, ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आ रहा है, कितना कैलकुलेशन आ रहा है, 18 कितना आ रहा है, 43 न्यूटन, ठीक है,
सो दिस इज अबाउट 43 न्यूटन। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45।